वेलकम बैक फ्रेंड्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पार्ट थ्री के आज के एपिसोड में हम मिलेंगे एडवोकेट मीतू सिंह, जो कि एलएलएम डिपार्टमेंट से रिसेंटली इन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट करी है और अभी प्रैक्टिस इनिशिएट करी है उन्होंने। इस प्रैक्टिस के दौरान वो फीमेल एडवोकेट्स और फीमेल लॉ इंटर्न्स को काफी मौका देती हैं, इनकरेज करती हैं। और आज जो हमने इनको टॉपिक दिया है वो है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 7, सेक्शन 8 जो रजिस्ट्रेशन और सेरेमनीज के बारे में बताता है। सो मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज प्रोसीड करें आज का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं अमित जी का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ऐसा एक थीम शुरू किया है, एक ट्रेंड लेकर आए हैं। आजकल समाज में जिस तरीके से डिवोर्स के मैटर बाहर निकल करके आ रहे हैं, जिस फॉर्म में ये जितनी तेजी से आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये आप जो मुहिम लेकर के चल रहे हैं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। समाज में ऐसे और भी लोग निकल के आए। और इसके बाद जब बात चली है हिंदू मैरिज एक्ट की, तो मैं बताना चाहूंगी हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जिस्टेंस 18 मई 1955 को आया था, ये एग्जिस्टेंस में आया था। और ये स्पेसिफिकली हिंदू जो किसी भी बाय डिफॉल्ट फॉर्म में हिंदू के रूप में जो डेवलप हुए हैं उन सभी पे लागू होता है, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, इवन बहुत से ट्राइबल एरियाज हैं उनमें भी हिंदू कल्चर को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफकोर्स उन्हीं पे ही लागू होता है। अब इसको थोड़ा सा हिंदू मैरिज एक्ट से बाहर ले जा करके थोड़ा सा फिलोसफिकल आस्पेक्ट बताना चाहेंगे कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले भी विवाह का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में होता था, और अगर होता था तो क्या उसमें डिवोर्स होता था। तो डिवोर्स जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इंडिया में, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में कॉलोनीज को स्टैब्लिश करना चाहा, तो कोडिफाइड लॉज को लेकर आए, क्योंकि उस वक्त उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से समाज बहुत विकृत था, हिंदू समाज बहुत विकृत था, इसमें लॉज में बहुत फ्लॉज थे। तो वो एक हिंदू मैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए उस वक्त, जो आते आते एस्टैब्लिश होते होते आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस में आया। उसी समय में अगर आप देखा जाए तो सती प्रथा को उन्होंने हटवाया, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत एफर्ट किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट्स को हटाया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज में फीमेल चाइल्ड्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। मैम, इफ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ वैलिड वॉइडेबल, और इफ यू टॉक अबाउट मैरिजेस व्हिच आर गोइंग नाउअडेज, मैरिज भी नहीं है और साथ में भी रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, सो इन तीनों कंडीशंस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में, उनका क्या लीगल राइट्स होते हैं, उसके बारे में प्लीज मैम बताएं, वेदर दे आर हैविंग द लीगल राइट्स और दे आर नॉट, प्लीज। देखिए, जो भी रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसके प्रोज एंड कॉन्स, या फिर मैं लिव इन की बात करूं जिसको आजकल मोस्ट पॉपुलर फॉर्म में एक्सेप्टेंस भी मिल गई है, लेकिन इससे जो उनकी प्रोजनी आगे की आती है, जो भी जनरेशन आती है, उसमें इनका कोई भी रोल नहीं होता, ये उनके बस में नहीं है कि वो इस दुनिया में आए या ना आए। तो एक लाइन में बस यही कह सकते हैं कि वेदर द चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट, दे हैव ऑल द राइट्स इक्वल्स टू अ लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके मैम, जैसा कि हम लोग मेंटेनेंस शब्द देखते हैं कि हमेशा पत्नी मांग सकती है, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में पति को भी मेंटेनेंस लेने का क्या राइट प्रोवाइड किया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेंटेनेंस किस किस जगह पे डिफाइन है। तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 24 मेंटेनेंस की बात करता है, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी कॉस्ट आ रही है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए सेक्शन 24 बना है। इसके बाद सेक्शन 125 सीआरपीसी की अगर हम बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें, तो ये वाइफ, चिल्ड्रन और आपके जो पेरेंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अगर अक्षम है, ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो एक केपेबल पर्सन जो एक या तो फादर है या हस्बैंड है या फिर एक बेटा है, उससे दिलवाने का पूरा अधिकार दिलवाते हैं। और अगर हम सेक्शन 12 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, तो ये उन डैमेजेस को क्लेम कराने के लिए ही बना है जो ड्यूरिंग डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, अगर वाइफ को इंजरी होती है। बट अगर हम स्ट्रिक्टली एक ही रूल की बात करें कि क्या सिर्फ वाइफ ही इस राइट को क्लेम कर सकती है, तो नहीं,
जो भी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो इनकेपेबल हैं तो वो वाइस वर्सा एक दूसरे से कंपनसेशन ले सकते हैं। सो आई होप मैम सेक्शन 24 में एक हस्बैंड के पास राइट है कि अपनी वाइफ से भी मेंटेनेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 24 में हस्बैंड ले सकता है। ओके मैम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये तीन तरह के केसेस फाइल किए जाते हैं जनरली कोर्ट में फीमेल्स के द्वारा, 125 सीआरपीसी, सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एज वेल एज सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट। So, क्या हमें तीनों में मेंटेनेंस मिल पाएगा किसी एक पे, या क्या है बेसिकली? तीनों क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो उनका राइट है, तीनों ही एक्ट उन्हें एम्पावर करते हैं कि वो अपने लिए कंपनसेशन या डैमेजेस को क्लेम कर सके। बट इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम होता है वही उनको एज अ कंपनसेशन मिल सकता है। सो मैम, जैसा कि हम लोग काफी देर से इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, सो मैम मैं चाहूंगा कि इस वैलेंटाइन वीक में जो वीक चल रहा है, और जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वीक में, हस्बैंड वाइफ के लिए कोई एक ऐसी टिप जिससे उनका एक रिलेशन बहुत हेल्दी वे में चले। टिप तो देखिए, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ तो मैं ज्यादा कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं रखती हूँ, बट हाँ अपने इस लॉ के फील्ड में अभी तक का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है उसमें मैंने ये जरूर देखा है कि ज्यादातर जो मैरिज रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनमें करेक्ट गाइडेंस की जो है एक लैक होता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसे तो कोई मान के शादी नहीं करता है कि वो शादी करने के बाद सीधे नेक्स्ट स्टॉप उसका कोर्ट ही होगा, तो उसको एक एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरीके से अपने मैरिज रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करें। इसके अलावा आजकल जॉइंट फैमिली का कल्चर काफी हद तक जो है खत्म होता जा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और ईगो इश्यूज को ना डेवलप होने दें। साथ ही साथ अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ के अलावा पेरेंट के रोल में भी हैं तो थोड़ा सा दोनों अपने में से मैं और अहंकार को निकाल के अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अगर सोच के कोई भी स्टेप्स या डिसीजन लेंगे तो आई होप आपको कोर्ट के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो बस यही है, और इसी के साथ साथ मैं लॉ स्टूडेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगी कि किसी भी मैरिज के इश्यूज को मनी मैटर ना समझ करके सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन समझिए, क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो मैरिज पे रुका हुआ है, और आजकल जिस तरीके से मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज इसे मनी मैटर ना समझ के एक कॉन्ट्रीब्यूशन समझिए समाज के लिए, क्योंकि अगर समाज है तो हम है और हम है तो भविष्य है। तो बस यही एक लॉ स्टूडेंट्स के साथ रिक्वेस्ट है कि सही रूल्स सही लॉज को पढ़ें और उसे अप्लाई करें। और कहीं ना कहीं एक बात मैंने सुनी थी तो मैं बोलना चाहूंगी कि जंगल का जो राजा होता है वो ना तो हाथी होता है, ना ही भेड़िया होता है, ना ही लोमड़ी होती जो बहुत चालाक होती, हाथी जो बहुत ताकतवर होता है। बैलेंस ऑफ पावर यानी मेंटल और फिजिकल पावर, फिजिकली हेल्दी रहिए, मेंटली नॉलेजफुल रहिए, और फिर एक अच्छे इंटेंशन के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए, सब बढ़िया होगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम। मैं सभी दर्शकों को एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट कहना चाहूँगा कि आप हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप देखते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।